चली गई कहीं बादलों के पार, उसका कमरा खाली हो गया और उसका मंदिर सूना। एक दिन पंडित जी को बुलाया, मां के मंदिर में दिया जलाया, उनके लड्डू गोपाल को भोग लगाया, जो जो मां करती थी सब कुछ वैसे ही दोहराया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई, अब अपने लिए जो मांगना चाहते हो ईश्वर से मांग लो। क्या मांगता और कैसे मांगता, पंडित जी को कैसे समझाता कि मेरी आवाज को आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी, जब तक मां थी कभी अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंखें तो हम सबके पास हैं, मां के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ मां को मिलता है। मेरा वॉलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी, लेकिन मां को छुपा के रख दे तो उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो मां ने कहीं हम सब से छुपा कर रख दिए थे। वो दर्द नहीं मिले जो किसी तहखाने में दबा कर रख दिए थे। एक एक आलमारी झांक ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी गिलाफ में गिर के सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है मां, जो छुपा दिया छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा। मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं मां, तेरी जैसी दूरबीन कहां से लाऊंगा।